जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। प्रभु के सच्चे प्रेमी की दशा का वास्तविक स्वरूप तो वही वर्णन कर सकता है जो उस स्थिति पर पहुंचा हुआ हो, अन्यथा संसार के प्रेम करने वाले प्रेम के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ सकते। चारों वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैं, योगियों के ध्यान में जो क्षण भर के लिए भी नहीं आता, वह ग्वालिनों के हाथ बिक जाता है। भावुक ग्वालिनें उसे अपने प्रेम पास में बांध लेती हैं। इन ग्वालिनियों के पास वह गिड़गिड़ाता हुआ आता है और सयाने कहते हैं कि वह मिलता ही नहीं। इन ग्वालिनों का कैसा महान पुण्य था, इन्हें जो सुख मिला वह दूसरों के लिए, ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। प्रिय भक्तों, नासिक के पास पंचवटी नाम का एक पुण्य क्षेत्र है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 200 वर्ष पूर्व वहीं एक साधारण से गांव में एक अहीर के घर मंगल का जन्म हुआ। मंगल के माता पिता बहुत ही साधारण स्थिति के किसान थे। घर में 2 बैल थे और 4-5 गायें। पिता किसानी करते, माता गायों की देखभाल करती, दूध जमाती, दही बिलोती, मक्खन निकालती, घी बनाती और फिर गांव ज्वार में बेचती। मंगल इसी अहीर दंपत्ति का एकमात्र लाडला लाल था। मंगल अपने माता पिता के साथ साथ गांव वालों का भी बहुत प्यारा लाडला लाल था। जन्माष्टमी की रात्रि को मंगल के घर महान उत्सव हुआ। गांव ज्वार के स्त्री पुरुष जुटे हुए थे। हिंडोला लगा हुआ था, उस पर श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति पधराई गई थी। माँ रेशम की डोरी धीरे धीरे खींच रही थी और पद गा रही थी। माँ गा रही है और मंगल एक टक उस मंगलमयी मूर्ति को निहार रहा है। वह कुछ समझ नहीं रहा है कि यह सब क्या हो रहा है, परंतु उसके मन प्राण में एक दिव्य उल्लास नृत्य कर रहा है। वह यह सब एक कुतूहल और आनंद की दृष्टि से देख रहा है और नाच रहा है। आधी रात हुई, देवकी का दुलारा जीव जीव के हृदय में उतरा। सर्वत्र आनंद छा रहा है। मंगल के आनंद की कोई सीमा नहीं है। वह बार बार माँ से पूछता है, माँ यह सब क्या है, किस लिए है। माँ बच्चे को चूम लेती है और अश्रु गदगद स्वर में कहती है, लल्ला आज हमारे घर त्रिभुवन सुंदर श्री गोपाल कृष्ण आए हैं। वे कैसे हैं माँ, कैसे हैं, मैं क्या कहूँ। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मधुर, बड़े ही प्यारे। तुम एक बार उन्हें देख लोगे तो फिर छोड़ नहीं सकते। रात दिन उन्हीं के साथ लगे रहोगे, खाना पीना सब कुछ भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे। मंगल के लिए आज की रात अत्यंत रहस्यमयी सिद्ध हुई। रात भर वह सोचता रहा, वे कैसे हैं जिन्हें एक बार देख लेने पर फिर कभी छोड़ा नहीं जाता, वे कैसे हैं जिन्हें पाकर सब कुछ भूल जाता है। दूसरे दिन मंगल अपनी गाय लेकर जब चराने के लिए बाहर गया, तब रात वाली बात उसके मन में चक्कर लगा रही थी। बार बार यही विचार उसके मन में उठ रहा था, वह कौन सा साथी है जिसे पाकर प्राणों की भूख प्यास सदा के लिए शांत हो जाती है। मंगल का हृदय आज अपने प्राण सखा से मिलने के लिए ललक रहा था। प्रिय भाई बहनों, भगवान के पथ में चलने के लिए विशेष समझदारी की जरूरत नहीं पड़ती, शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान विज्ञान के गंभीर रहस्यों की छानबीन की, पंखानुपंख अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती और न तत्वों के विश्लेषण की ही आवश्यकता है। आवश्यकता है एकमात्र हृदय दान की। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक न एक दिन ऐसा आता ही है जब वह भगवान के संकेत को, प्रभु के इशारे को स्पष्ट सुनता है। यह इशारा प्रत्येक प्राणी के लिए, जीव मात्र के लिए होता है, किंतु अधिकांश तो इसे सुनकर अनसुना कर देते हैं और जगत के विषय विलासों में ही रचे पचे रह जाते हैं। कुछ ही ऐसे महाभाग होते हैं जो उस इशारे पर अपने जीवन की बलि देकर अपने आप को, अपने लोक परलोक को प्रभु के श्री चरणों में निछावर कर देते हैं। ऐसों का जीवन हरिमय हो जाता है, उनका सब कर्म श्री कृष्ण अर्पण होता है। उनका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, हंसना खेलना सब कुछ भगवत प्रीति के लिए ही होता है। मंगल की दृष्टि एक बार ही सही उधर गई और वह सदा के लिए मंगल का साथी बन गया। दिन में उसी का जलवा, रात में उसी के सपने। ऐसा मालूम होता कोई कंधे पर अपने कोमल हाथ रखकर कह रहा है, मेरी ओर देखो, मुझसे बात करो, कुछ बोलो।
मंगल इस अदृश्य स्पर्श का अनुभव कर एक दिव्य आनंद में मूर्छित हो जाता। रात को वह सोता तो देखता कि कोई मेरे सिरहाने बैठा है। मेरे सिर को अपनी गोद में रखकर मेरे ऊपर मंद मंद मुस्कान की फुलझड़ियाँ बरसा रहा है। कभी हंसता है, कभी धीरे धीरे गाता है, कभी अपनी प्यार भरी कोमल अंगुलियों को मेरे बालों में उलझाकर लाड़ लड़ाता है, कभी आँखों को चूमता और कपोलों को सहलाता है। मंगल यह समझ नहीं पाता कि यह सब किसकी लीलाएं हैं, परंतु है यह जानता था कि मेरा एक साथी है जो रात दिन मेरे साथ रहता है। मंगल को उस लीलामय की लीलाओं के दर्शन होने लगे। रात भर वह आधा सोता आधा जागा रहता। ऐसा मालूम होता कोई अपना अत्यंत प्यारा प्राणों को गुदगुदा रहा है। सवेरे जागता तो उस गुदगुदी की अनुभूति बनी ही रहती। वह गायें खोलकर जब चराने के लिए वन में ले जाता तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसका साथी उसके साथ चल रहा है। कभी कुछ गाता है, कभी नाचता है, कभी प्रेम में रूठता है, कभी गले लगकर मन की बातें कहता है, कभी दिखता है, कभी छिपता है। पके हुए बिंब फल के समान अपने लाल लाल होठों पर वेणु को लगाकर भिन्न भिन्न स्वरों में वह जाने क्या क्या गाया करता है, और उसका गीत सुनकर त्रिलोकी के चर अचर जीव मोहित हो जाते हैं। वह वेणु को बजाते हुए मदमत हाथी की तरह कयामत की चाल चलता हुआ जब विलासपूर्ण दृष्टि निक्षेप करता है तब समस्त वसुंधरा उस मधु में डूब जाती है। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है, संध्या हो रही थी, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे थे। सायंकाल होते देख मंगल अपनी गायें लेकर घर को लौट रहा था। देखता क्या है कि उसका प्राण सखा उसके साथ ही लौट रहा है। उसके नेत्र मद से विह्वल हो रहे हैं। गौ के खुर से उड़ी हुई धूल उसके मुख मंडल पर तथा बालों पर जम गई है। इस कारण उसका मुख पके हुए बेर के समान पांडुवर्ण दिख रहा है। वन के पुष्पों तथा कोमल कोमल किसलयों की माला पहन रखी है। गजराज के समान झूमता हुआ चल रहा है। स्वर्ण के कुंडलों की कांति से उसके सुकुमार कपोलों पर एक अद्भुत छटा छा रही है। आज मंगल से रहा न गया, उसने चाहा कि इस अपरूप रूप को पी जाऊं, इसलिए वह आगे बढ़ा और उस त्रिभुवन मोहन को आलिंगन पास में बांध लेना चाहा। परंतु कैसे कैसे खेल हैं उस खिलाड़ी के। उसकी ओर न झुको तो बार बार दरवाज़ा खटखटाता है, रात दिन परेशान किए रहता है, न खाने देता है न सोने। लेकिन जब उसकी ओर प्राणों की हाहाकार लेकर मुड़ो तब वह छलिया जाने कहाँ छिप जाता है, और ऐसा छिपता है कि वे निशा हो जाता है, लापता हो जाता है। प्रिय भक्तों, मिलन की लीला तो हो चुकी थी, अब ब्रह की लीला होने वाली थी। मंगल की दशा अब कुछ विचित्र रहने लगी थी। मिलकर विछड़ने का दुख कोई भुक्त भोगी ही अनुभव कर सकता है। मंगल से अब न रोते बनता न हंसते, आनंद था मिलन की स्मृति का और विषाद था पाकर खो देने का। उसके जी में कुछ ऐसी लहरें उठ रही थीं कि उस प्यारे के बिना अब जीना बेकार है। किसी काम में उसका जी नहीं लगता, न भूख लगती न नींद आती, रात दिन रोता रहता, रोते रोते कभी बीच में अट्टहास कर बैठता। अजीब पागल की सी दशा थी, लोग कुछ समझ नहीं रहे थे कि क्या बात है। पिता ने समझा लड़के का दिमाग फिर गया है, दवा करानी चाहिए। आसपास के वैद्य हकीमों को बुलवाया, लेकिन रोग तो चिकित्सा से परे का था। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वेद सांवलियो होए, मंगल अपने वैद्य की खोज में आप ही निकल पड़ा। प्रेमियों का हाल ऐसा ही होता है, प्रेम के अन्यारे वाण से जिसका हृदय विंध जाता है उसकी दशा उन्मत्त की सी हो जाती है। जगत की कोई चर्चा उसे नहीं सुहाती, चेष्टा करने पर भी वह कुछ बोल नहीं सकता। उसका शरीर पुलकित हो उठता है, उसके रोम रोम से प्रेम की किरण धाराएं निकलकर निर्मल प्रेम ज्योति फैला देती हैं। समस्त वातावरण प्रेममय हो जाता है। वह प्रेमावेश में बार बार रोता है, कभी हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने और नाचने लगता है। मंगल की माँ मंगल के इस दिव्य उन्माद को कुछ कुछ समझ रही थी। उसने देखा था कि जन्माष्टमी की रात से ही मंगल की दशा पलटने लगी थी। उसे मंगल की इस दशा पर परम संतोष था। वह जानती थी कि वास्तविक पुत्रवर्ती वही है जिसका पुत्र श्री हरि के चरणों में अनुरक्त हो। वह अपने भाग्य को सराहती और प्रभु के चरणों में मस्तक टेक कर नित्य यही प्रार्थना करती
हे प्रभु, इस बालक के हृदय में प्रेम की आग लहकाकर आप अब इसे यों न छोड़ें, अब तो इसे सर्वथा अपना लो। मैं इसे तुम्हारे चरणों में आनंद के साथ निवेदित करती हूँ, तुम इसे अब स्वीकार कर लो। परंतु भगवान ने तो पहले से ही उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा वैसा नहीं है, उसका निशाना खाली जाए यह तो हो ही नहीं सकता। जिस पर उसने प्रेम बुझे तीर फेंके वही लुट गया। घायल की गति घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी? छिप छिप कर वार करता है, कभी बहुत हल्की मामूली चोट करता है, कभी गहरी प्राण ले लेने वाली चोट। वाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत प्रेमियों की होती है। वह हृदय को सीधे वेधता है और वाण को यों ही लगा छोड़ देता है। प्रेम की गली में साधक जाता तो है जी बहलाने के लिए, आंखें जुड़ाने के लिए, लेकिन वहां जाने पर उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसने की सी दशा हो जाती है, न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता फिरता है, उसका दर्द कुछ निराला ही होता है, वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। प्रिय भाई बहनों, गोदावरी के तट पर जंगल में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसी का सघन वन है, दूर तक फैला हुआ जंगल जंगली वृक्षों और पुष्प लताओं से स्थान की शोभा अत्यंत रमणीय हो रही है। मंगल गोदावरी तट पर तुलसी के वन में बैठा हुआ गदगद कंठ से अपने प्राणनाथ को कातर भाव से पुकार रहा है। प्रार्थना करते करते वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ता है। मूर्छित अवस्था में मंगल को एक दिव्य बपधारी महात्मा से ओम राधाय स्वाहा का षडक्षर मंत्र प्राप्त हुआ। मंत्र कानों में प्रवेश कर हृदय में पहुंचा और वहां हृदय देश में मंत्र की चेतना से एक विद्युत लहर सी लहराने लगी। मंगल को ऐसा प्रतीत हुआ कि शीतल विद्युत के दिव्य अक्षरों में यह मंत्र उसके हृदय में वैसे ही प्रकट हुआ है जैसे प्रशांत नील आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा। मंगल जब होश में आया तब वे महात्मा वहाँ नहीं थे, परंतु यह मंत्र पहले के समान ही चेतन रूप में विद्युत धारा की तरह हृदय में तरंगित हो रहा था। मंत्र की यह दिव्य लीला देख मंगल मुग्ध था। उसके रोम रोम से मंत्र राज की कोमल किरणें प्रस्फुरित हो रही थीं और भीतर बाहर समान रूप से वह उस आनंद सिंधु में डूब रहा था। आंखें खोलता तो सामने श्री राधा कृष्ण की मंजुल मूर्ति, आंखें बंद करता तो हृदय में उसी युगल मूर्ति की ललित लीला। प्राणों में श्वासों में मंत्र की मधुर कीड़ा स्वयं होती रहती थी, अनायास बिना प्रयास वर्षों इसी रस समाधि में डूबा रहा। देह गेह की शुद्ध बुद्ध न थी, वन के भीतरी भाग में रहने वाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते वह खा लेता, जो कुछ पिला देते वह पी लेता। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि का दिन था, मंगल के हृदय में अपूर्व उल्लास छा रहा था। उसने वन के पुष्पों की माला बनाई, तुलसी की मंजरी की माला बनाई, प्राणनाथ और प्रिया जी को प्रेम के साथ उसने उसे पहनाया, आंसुओं से उनके चरण पखारे और लगा उन्हें एक टक निहारने। देखते देखते उसकी दृष्टि बंद गई, पलकें स्थिर हो गईं। फिर क्या देखता है कि श्री राधा रानी का हृदय खुलता है, ठीक जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श से कमल की कली खिलती है। राधा रानी मंगल को उठाकर अपने हृदय में छिपा लेती हैं और भगवान खड़े खड़े मंद मंद मुस्कानों की झड़ी लगा रहे थे। वहाँ अब मंगल नहीं था, उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन सखा के चरणों में अर्पित कर दिया था और उसकी यह भेंट पूर्णतया स्वीकार कर ली गई थी। प्रिय भाई बहनों, मंदिर के पास एक छोटा सा चबूतरा बन गया है जहाँ मंगल तुलसी वन में बैठा करता था। लोग इसे मंगलदास का चबूतरा कहते हैं। प्रिय भक्तों, यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अब अपने सभी प्रिय दर्शकों से किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं और विनती करते हैं कि एक बार प्रेम से प्रभु का अपने हृदय में सच्चे मन से स्मरण करते हुए बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।